नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर ईशान और आप देख रहे हैं आपका मेरा यूट्यूब चैनल बिंग डॉक्टर ऑफिशियल। आई होप आप सब बढ़े होंगे। सो गाइज, जैसा कि आप सभी को पता है थंबनेल पर आपने देख लिया होगा, आज का जो टॉपिक होने वाला है वीडियो का वो है आपका सिक्योरिटी मनी रिफंड। ठीक है, काफ़ी सारे स्टूडेंट आप में से काउंसलिंग जिन्होंने कराई है, ठीक है, उन सभी को वेट है अपने सिक्योरिटी मनी रिफंड का। और काफ़ी सारे आप में से DMs करते रहते हैं मुझे इंस्टाग्राम पर भी कि सर रिफंड कब तक आएगा, क्या मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा, और मुझे इसके लिए क्या करना होगा, अगर मुझे रिफंड चाहिए तो क्या कोई किसी जगह पर अप्लाई करना होता है इस रिफंड के लिए, क्या प्रोसेस रहता है रिफंड का, मैं कंप्लीट आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ डिटेल में। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि यूजफुल जानकारी आप सभी के लिए। अगर आप रिफंड लेना चाहते हैं अपना सिक्योरिटी मनी का 5,000, 10,000 रुपया, 2 लाख रुपये, जो भी आपने पे किया था MCC ग्राउंड में काउंसलिंग में, ठीक है, आप सभी को पता है जो जनरल EWS के लिए जो रिफंड की जो सिक्योरिटी मनी था वो 10,000 रुपीज़ था, SC ST OBC कैंडिडेट्स के लिए 5,000 रुपीज़ था, और डीम यूनिवर्सिटी में अगर आपने पार्टिसिपेट किया है तो आपको 2 लाख रुपये का आपको जमा कराना पड़ा होगा काउंसलिंग के दौरान। ठीक है, तो वो सब रिफंडेबल मनी था जो कि आपको रिफंड होगा। ठीक है, तो इसके बारे में अपन बात करेंगे, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो सबसे पहले तो गाइस आप सभी को पता है जो काउंसलिंग था, काउंसलिंग का प्रोसेस, जो MBBS काउंसलिंग अगर मैं बात करूँ MCC का, वो 29th December 2022 को ओवर हो चुका था, स्टेप वैकेंसी राउंड कंप्लीट हो चुका था। अभी जो है 14th January को BDS का भी ओवर हो जाएगा, स्टेप वैकेंसी राउंड का, ठीक है, प्रोसेस। तो अभी जो है जब काउंसलिंग पूरी एंड हो जाती है उसी के बाद जो काउंसलिंग अथॉरिटी होती है, वेदर ऑल इंडिया कोटा हो या फिर स्टेट कोटा हो, उसी के बाद काउंसलिंग के सारे राउंड हो जाने के बाद ही रिफंड का प्रोसेस स्टार्ट करती है, जो सिक्योरिटी मनी है वो रिफंड वापस आपको करती है। ठीक है, चलिए तो अब मैं सबसे पहले बात कर लेता हूँ कि रिफंड किसको किसको मिलेगा। ठीक है, किन किन कैंडिडेट्स को रिफंड मिलेगा, कौन कौन एलिजिबल है रिफंड के लिए, इस पर अपन बात कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो ऐसे कैंडिडेट जिनको जो MCC काउंसलिंग है उसके 1st, 2nd, 3rd यानी कि मोपर राउंड या फिर स्टेट वैकेंसी राउंड में किसी भी तरह की कोई सीट नहीं मिली है, ठीक है, तो ऐसे कैंडिडेट्स को रिफंड मिल जाएगा। यानी कि फर्स्ट राउंड में भी नहीं मिली, सेकंड राउंड में, मोपर राउंड में, स्टेट वैकेंसी, किसी भी राउंड में कोई भी सीट नहीं मिली, ऐसे कैंडिडेट्स को रिफंड मिल जाएगा सिक्योरिटी मनी का। दूसरी कंडीशन एलिजिबिलिटी की वो है कि ऐसे कैंडिडेट जिनको कोई भी सीट मिल गई हो, फर्स्ट राउंड में, सेकंड राउंड, मोपर राउंड, स्टेट वैकेंसी राउंड में कोई भी सीट अगर आपको मिली और आपने ज्वाइन कर लिया था तो आपको तब भी रिफंड मिल जाएगा। ठीक है, तीसरा कंडीशन है एलिजिबिलिटी का, वो ये है कि अगर आपने कोई भी फ्री एग्जिट अवेल किया हो, यानी कि जैसा कि आप सभी को होता है MCC काउंसलिंग में फर्स्ट राउंड जो होता है वो फ्री एग्जिट वाला राउंड होता है, यानी कि अगर आपने फर्स्ट राउंड में सीट मिल करके आपने छोड़ दिया था, ज्वाइन नहीं किया था, फ्री एग्जिट ले लिया था, तो भी आपको रिफंड मिल जाएगा। ये 3 कंडीशन है जिसमें आपको रिफंड मिलेगा। ठीक है, अब किस कंडीशन में या किस कैंडिडेट को रिफंड नहीं मिलेगा, तो आप में से जो भी कैंडिडेट जिन्होंने काउंसलिंग कराई और फर्स्ट राउंड को छोड़ करके सेकंड राउंड या फिर मोपर राउंड या स्टेप वैकेंसी राउंड में सीट मिली थी लेकिन आपने वहां पर रिपोर्ट नहीं किया, आपने ज्वाइन नहीं किया, तो आपका सिक्योरिटी मनी फॉरफिट कर लिया जाएगा, आपको रिफंड नहीं मिलेगा। ये कंडीशन है रिफंड नहीं मिलने की। ठीक है, चलिए, तो ये मैंने आपको बताया। अब इसके लिए कहाँ पर अप्लाई करना होगा, काफ़ी सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे सर इसके लिए अप्लाई करना होगा क्या या फिर अपने आप आ जाएगा, तो मैं आपको बता दूँ कहीं कोई भी अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। आपको सिक्योरिटी मनी आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्टली ट्रांसफर कर दिया जाएगा। एक्चुअल में क्या होता है ना, जिस अकाउंट से आपने पे किया हुआ होता है सिक्योरिटी मनी, तो वहाँ पर उसी अकाउंट में आपको रिफंड मिलता है। ठीक है, अगर आपने मान लो कोई कार्ड से पेमेंट किया है, UPI पेमेंट किया है, तो जिस भी बैंक अकाउंट से वो UPI लिंक है या कार्ड लिंक है उसी सेम बैंक अकाउंट में आपका वो रिफंड आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप मेक श्योर कर लेंगे आपका बैंक अकाउंट चालू रहना चाहिए तभी वो आपका रिफंड मिलता है। कई सारे स्टूडेंट तब भी प्रॉब्लम आती है जब उनके खाते में कोई बंद हो जाता है खाता या फिर किसी भी तरह की कोई दिक्कत होती है खाते में, तो भी रिफंड में प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए उसको चालू रखिएगा अपने खाते को जब तक रिफंड नहीं आ जाए। ठीक है, अगर आपने कोई भी मैं मना करता हूँ वैसे, लेकिन आप में से कई सारे स्टूडेंट जो है साइबर कैफे जाकर के अप्लाई करते हैं, रजिस्ट्रेशन कराते हैं, तो उनको मैं यही बोलूँगा कि जब भी रिफंड आए एक बार वहाँ पर जाकर के पूछ लीजिएगा, उन्हीं के पास रिफंड आएगा, क्योंकि पेमेंट अगर उन्होंने किया तो उन्हीं के अकाउंट में जाएगा पैसा। ठीक है, तो उनसे आप रिफंड ले लीजिएगा, बस सिंपल, अब और कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपको बार बार वहाँ पर इसलिए मना करता हूँ कि आपको वहाँ पर नहीं जाना पड़े, आप अपना बैंक अकाउंट यूज कीजिएगा पेमेंट के लिए। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, डायरेक्टली आपने जिस भी बैंक अकाउंट से पे किया गवर्नमेंट जो है उसको आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देती है, जितना भी आपने अमाउंट पे किया है 5,000, 10,000 या 2 लाख रुपए आपके अकाउंट में आ जाएगा। ठीक है, अभी कब तक आएगा सर और इसका क्या रहता है, तो मैं बता दूं एक्चुअल में क्या होता है कि पिछले साल का, अगर मैं पिछले कुछ सालों का बताऊं, तो यहाँ पर जब भी काउंसलिंग के सारे राउंड हो जाते हैं, अभी आपको पता है कि अभी BDS का राउंड होना है 14th, लास्ट डेट है 14 जनवरी, तो उसके बाद में क्या काउंसलिंग रिफंड का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। इसमें कम से कम 1 महीना आप मान के चलो लगता ही लगता है रिफंड में, तो ये मैं मान के चल रहा हूँ कि 10th फरवरी तक आपका ये रिफंड का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, आपका रिफंड आने लग जाएगा। इसके रिगार्डिंग एक पहले तो एलिजिबिलिटी, जो एलिजिबल कैंडिडेट्स की जो लिस्ट है रिफंड के लिए, कौन कौन कैंडिडेट एलिजिबल है, उनके बैंक अकाउंट की डिटेल की एक लिस्ट आ जाती है हमारे पास, रिफंड की लिस्ट,
वो एमसीसी जारी करता है, उसके 10 दिन में पैसा आ जाता है आपके अकाउंट में, ठीक है। तो जैसे ही कोई अपडेट आएगा ना, मैं आपको अपडेट कर दूंगा। आप ये मान के चलिए आपके 10 फरवरी तक आपका रिफंड का प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो 10 फरवरी तक आप अपना बैंक अकाउंट चेक करते रहिएगा, आपको अपना जो है बैंक अकाउंट में वो अमाउंट शो हो जाएगा रिफंड जब भी आएगा तो, ठीक है। इसमें एक महीना लगता है। अब अगर आपने स्टेट कोटा में भी पार्टिसिपेट किया तो एक स्टेट कोटा में भी ये मान के चलो 1.5 से 2 महीने का प्रोसेस तो लगता ही है स्टेट में, ठीक है। थोड़ा उसमें 40 दिन से 50 दिन का समय लगता है, तो आप 1.5 से 2 महीना तो मान के चलिए। डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से वेरी कर सकता है ना, तो किसी स्टेट में जल्दी भी आ सकता है, किसी स्टेट में लेट भी आ सकता है। तो आप निश्चिंत रहिए, वो ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में रिफंड आ जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने कंप्लीट आपको इन्फॉर्मेशन दे दी रिफंड के रिगार्डिंग। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले, मैं जरूर से कोशिश करूंगा आपके सभी कमेंट्स का रिप्लाई करने की। साथ ही अगर आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो करते हैं तो वहां पर भी मैं इसके रिगार्डिंग अपडेट्स देता रहूंगा, जैसे कोई रिफंड के रिगार्डिंग अपडेट आएगा तो, ठीक है। और साथ ही हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, सभी अपडेट्स इन्फॉर्मेशन वहां पर भी आते रहते हैं। अगर फिर भी आपका कोई क्वेरी रह जाती तो आप इंस्टाग्राम पर भी हमें डीएम कर सकते हैं, मैं अपने फॉलोअर्स को जरूर से रिप्लाई करता हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अभी के लिए इतना ही। और प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, आपके जितने भी काउंसलिंग के रिगार्डिंग वीडियोज़ होंगे, अपडेट्स होंगे, ठीक है, नीट के रिगार्डिंग अपडेट इन्फॉर्मेशन और प्रिपरेशन के रिगार्डिंग टिप्स होगी, वो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में नई अपडेट और इन्फॉर्मेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।